गाइस हम लोगों ने बहुत सारे मेन्यू ट्राई करे हैं, सागर रत्ना, सबवे, हल्दीराम, स्टारबक्स और टिम हॉर्टन्स। ये सारी अच्छी जगहें ट्राई करने के बाद हम आ गए हैं एक आइकॉनिक मेन्यू ट्राई करने, CCD। यस, स्पून निहायत ही गंदा दोस्तों, ठीक है। टेस्ट इज स्टिल सेम, वैसा एकदम बढ़िया, मजा आ गया। कैसा टेस्ट है इसका यार? ये टिंडे जैसा है कि घर पे बनाया तो तुम बाहर जाते हो, कोई टिंडे भी पसंद होंगे। आई लव टिंडे। ओ माय गॉड, फर्स्ट आइटम दोस्तों ऐसा आइटम है जो कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया, एंड आई एम प्रीटी श्योर आधे लोगों ने ये ट्राई नहीं किया होगा। दिस इज क्या, ये आइस टी, क्या है इसका पीच कहीं बीच में रुक गया है, तो ऑन दैट नोट हम इसे मिक्स करेंगे। आई हैव स्पून, निहायत ही गंदा दोस्तों। Still, कोई फर्क नहीं पड़ा इसको घुमाने से, कुछ नहीं फर्क पड़ा। थोड़ा तक पीच का टेस्ट थोड़ा तो मीठा आ गया थोड़ा भाई। Then again, it's I think वो शुगर सिरप के साथ मिक्स है जिसकी वजह से ये और मीठा हो गया, एंड काफी बुरा है। If we had to rate this, कितना रेट करेंगे आप? I think for me it deserve, भूल गए क्या 10 में से देते हैं हम? तीन नंबर। पक्का? तीन नंबर लॉक कर दिया जाए? लॉक 100%। आई विल गिव दिस 2 बिकॉज़ ये बहुत गंदी है। आई इसकी इससे अच्छी मैं बना सकता हूं अपने हाथों से, और मुझे अब ऐसा लग रहा है कुछ खाने को लाया जाए तो ज्यादा मजा आएगा। अरे आपने बोल दिया मैडम, प्रोडक्शन आपकी है, अगला आइटम देखो खाने का आएगा, देख लेना तुम, ठीक है। ले आओ अगली आइटम। अगली आइटम है हमारी माय वन एंड ओनली माय फेवरेट कैफे फ्रैपे फ्रॉम CCD। आई होप ये उतनी अच्छी हो अब, क्योंकि CCD विद टाइम ना बहुत डिग्रेड हुआ है। हाँ, मतलब जितना मुझे लगा है। तो या लेट्स सी इफ इन केस इट्स क्लोज टू दैट और नॉट। बहुत चीज का तैयारी है, तुझे भी आदत हो चुकी है। ओके, ये अच्छी आदत है। Dude, I like it. It's nice, but I think वो एक कॉफी की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है comparatively. इसमें आइसक्रीम बहुत ज़्यादा डाली हुई है, तो थोड़ा ना शेक जैसा टेस्ट आ रहा है. They need to work on their coffee beans. Yeah, even I think so, क्योंकि अब और पैसे आ गए हैं तो हमें शायद पी के समझ आ गई है. भाई मुझे लगता है कि वरना हमें क्या पता कॉफी बीन्स, हमें तो पता ही नहीं था बीन्स से कॉफी बनती है. I know, right? I will rate this 7 out of 10. Nice. I'll rate this 6 क्योंकि अच्छा है बट इतना कमाल नहीं है। Okay guys, तो हमारे पास आ चुका है स्पिनच कॉर्न सैंडविच जो कि वेज है, और नीरज नॉन वेज। मेरे पास स्मोक्ड चिकन। बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, इन्होंने चीज का बहुत बड़ा स्लाइस रख के इसमें स्पिनच और कॉर्न डाल दिए बस, और ये हमेशा सच वो खुद कह रही कुछ नहीं। लुक्स वाइज इट्स नॉट एपेटाइजिंग, मतलब ऐसा नहीं कि देख के लगे कि ये तो खाना चाहिए। बहुत बहुत बड़ी बाइट मार लेती है भाई तो। कैसा टेस्ट है इसका यार? मैं इसकी बाइट लेना चाहूंगा। काफी दुख हुआ मुझे ये खा के। प्लीज हैव इट। कोई क्यों ऑर्डर करेगा इसे? यू नो उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता था। या मुझे इसके टमाटर प्याज दिख रहे हैं वो ही बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे इसके सामने। भाई ये तो बहुत ही बुरा है ना, बहुत गंदा। ये काफी अच्छा था, हेल्दी भी लग रहा है, खाने में भी मजा आ रहा है, एंड इफ आई हैड टू रेट दिस आई विल रेट दिस 7। मुझे लगता है कि ये 3 नंबर डिजर्व करता है यार। ये टिंडे जैसा है कि घर पे बनाया तो तुम बाहर जाते हो, तो ये टिंडे भी पसंद होंगे। आई लव टिंडे। ओ माय गॉड, सो नेक्स्ट आइटम आ गया है चिली टोस्ट, एंड ये एक ऐसी चीज जो मुझे किसी ने सजेस्ट की थी एंड मैंने ट्राई किया एंड आई एक्चुअली लव्ड इट अराउंड दैट टाइम। अब पता नहीं अच्छा है कि नहीं, बट और मैंने तो एक ही बार खाया और दैट टू
बहुत पुरानी बात है, अब मुझे टेस्ट भी याद नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है क्रिस्पी नहीं होता था, कि ऐसा ही होता था। नहीं, थोड़ा मतलब ऐसे होता था वो, ब्रेड वाला। आई थिंक तुझे गार्लिक ब्रेड की याद आ रही है। हाँ, गार्लिक ब्रेड नहीं, ये अलग ऐसे होता था। ये इसमें आपको दिख रहा है रेड वाले पार्ट रेड चिलीज है, एंड ग्रीन वाले थोड़ी थोड़ी ग्रीन चिलीज है, उसके साथ पता नहीं एक तो हल्दी मुझे लगता है धनिया डाल देता शायद। धनिया नहीं है इसमें, वो है स्पिनिश तो नहीं है। हर जगह स्पिनिश, हर जगह। नाइस। फ्लेवर वाइज इट्स वेरी गुड, मतलब ऑब्वियसली बेटर देन द स्पिनच एंड कॉर्न। एनी डे भाई, स्पिनच एंड कॉर्न तो मैं बता रहा हूं, पैसा दे कोई तब भी मत खाना। हां यार प्लीज, आज ही मैंने ये डिसाइड किया ना। चिली चिली लग रहा है, उतनी मिर्ची इसमें है नहीं, बिकॉज़ मैं मिर्ची इतनी ज्यादा नहीं खाती हूं। ठीक है, बड़ा अच्छा अच्छा, मतलब इतना बुरा नहीं है। आई लाइक इट। इफ आई हैड टू रेट दिस, आई विल रेट दिस 5, क्योंकि इट्स समवेयर इन द मिडिल। ओके ओके, आज तो काफी कम नंबर दे रहा नीरज। मैं क्या दूं यार, 6 नंबर नहीं 5, मैं भी 5 ही दूंगी। लॉक कर दे इसमें 5, इसमें हम दोनों के 5 नंबर लॉक कर लो। अब मेरा फेवरेट आइटम आया दोस्तों। मैं जब सीसीडी आता था, एंड मैंने एक दो बार ऑर्डर कर करके चीजें समझी कि क्या खाना चाहिए बेस्ट, तो ये वो चीज थी जो कि मैं किसी के भी सामने बोलता यू शुड ट्राई डेविल जोन, और फिर फैंसी आता था। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि डेविल जोन जब तुम्हारे सामने वहीं रेस्टोरेंट में आता है, तो इतना बड़ा ग्लास होता है, उसके ऊपर इतना बड़ा वो वाइट कलर का, जैसे कैसे बताऊं, बंगाली शादियों में लड़कों के सर पे देखा तुमने, बंगाली शादियों में जो होता है, अबे ओ वो जैसे सॉफ्टी होती है, सॉफ्टी का बेसिकली ऊपर का पार्ट सेम वैसे ही। हां सॉफ्टी इज क्लोज, वो शादी वाला थोड़ा दूर चला गया, बट वो वैसा ही होता है तुम्हारा ऐसा, और वो दिखने में ऐसा फैंसी लगता है, बाद में उसके अंदर मुंह डाल लियो। मैं देख रहा था इसमें इन्होंने कॉफी बीन्स भी कम कर दिया है, पहले कॉफी बीन्स बहुत होती थी इसमें, ऊपर होती थी। हां चीयर्स। इसका कुछ और ही बन चुका है अभी, उम्दा। ये बेसिकली तुम्हारा मोका, बेसिकली जो चॉकलेट और मजा आ गया ना, देखा मैंने बोला ना बहुत टेस्टी है यार ये तो। मैं बता रहा हूँ भाई, मैं जिस जिसको ऐसा सीसीडी ले आता था, और यू शुड ट्राई डेविल्स ओन, गिव इट अ ट्राई, मुझे बहुत पसंद है, तो लड़की को एकदम फर्स्ट इमेज ऐसा जाता है, ये तो यार रोज यहीं आता लगता है, व्हिच इज ग्रेट। टेस्ट इज स्टिल सेम, वैसा एकदम बढ़िया, मजा आ गया। मेरे नंबर तो कितने देगा अब, तो ज्यादा नंबर देगा। हाँ हाँ, मैं इसको 8 नंबर देना चाहूंगा, दिस इज रियली नाइस, 7 out of 10। नेक्स्ट आइटम का नाम मैं भूल गया, तो ये बताएगी। इट्स चोको फैंटेसी केक शेक, जो कि मुझे पहली बार पता चला है सीसीडी में ऐसी कुछ चीज एग्जिस्ट करती है। इसके लिए तो चम्मच भी चाहिए होगा ना। हाँ, इसमें पूरे केक के स्लाइस है भाई, मेरे वाले में तो चम्मच चाहिए भाई ये खाने के लिए। हाँ। मेरे पास है, एक सेकंड दोस्तों, मेरे पास भी है, मैं लेके आया, थैंक्स यार। वो सिर्फ उतना ही केक है, मुझे लगा नीचे भी होगा। नीचे कॉफी है, ऊपर बहता बहता केक है यार ये तो, बस ये रहा सारा। ओ शिट, ये तो भूल गया, दिस इज अ वियर्ड कॉम्बिनेशन, वेरी वियर्ड। ये वो वाला केक नहीं है, ये सस्ता केक है। हाँ, केक की वजह से ये शेक भी खराब हो चुका है, मतलब क्या, दैट्स द रिएक्शन, मेरा भी सेम। मैं बना नहीं रहा था, वो बन गया, सॉरी। क्योंकि ये अच्छा नहीं है गाइस, केक शेक तो मतलब मेरे को कॉन्सेप्ट ही ऐसा लगता है कि नो, केक अपनी जगह है, शेक अपनी जगह है। रेट करना चाहूंगा मैं इसको 4 नंबर 3 नंबर, दैट्स इट, ले जाओ इसको। For some मिठाई। पूरी वीडियो में हमने कुछ मीठा तो खाया नहीं। क्या? पूरी वीडियो में कुछ मीठा नहीं खाया। So we'll end this video on a very good note. ब्राउनी खाएंगे। ब्राउनी का, I think नीरज ये वही ब्राउनी, सिज़लर के ऊपर ब्राउनी, उसके ऊपर वनीला आइसक्रीम का एक स्कूप, और उसके ऊपर चॉकलेट सॉस, जो कि काफी लग्जरियस आइटम थी जब हम कॉलेज में थे। तुम्हें सेंटर पर टेंशन होना था, तुम वो ऑर्डर करो, फिर सब ये देखो सब क्या है, सब तुम्हारे टेबल पे देख करो, टेबल तक देख। हां, आवाज आती थी ना ऐसे, सुसु नहीं करवा रहे किसी को, बट आवाज ये सिर्फ तेरे दिमाग में, मैंने तो बोला भी नहीं था ऐसा। तू मुझे ऐसे जज करके देखा तो मुझे लगा, मैं क्यों करूंगा तुझे जज, तू है माय। बट ये ब्राउनी शक्ल से तो अच्छी लग रही है, बस वो केक वाले शेक की तरह ना हो ये। इतनी ज्यादा खाएगी तो पता कैसे चलेगा। खाते खाते थोड़ा सा चम्मच चबा दिया तूने, मुझे ऐसी लग रही है वही। हां
ऐसा लग रहा है ऊपर से ब्राउनी है लेकिन नीचे से वो केक है ना। इनको अच्छे से बनानी नहीं आती ब्राउनी, इन्हीं के पास में थियो ब्रह्मा होगा वहां से खा लेना। ये ब्राउनी ब्राउनी नहीं लगी मुझे और उतनी एक्सपेक्टेशंस रीच नहीं कर पाई जितनी मेरी थी। ओह या तेरे घर वाले भी तेरे बारे में यही बोलते हैं। ये ब्राउनी बहुत ही एवरेज है सो इसको हम रेट करेंगे 4 नंबर। ओके मेरे लिए भी काफ़ी एवरेज है ये क्योंकि मैंने अच्छी ब्राउनीज खाई हैं, ऐसे काफ़ी अच्छी खाई हैं एंड आई थिंक इट्स 3 नंबर। फिर कहेगा चीटिंग करता है, मतलब तूने डायलॉग तो सेम ही बोला बट ओके या 3 नंबर। सो दैट्स द एंड टू दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दैट मींस यू आर अ कॉफी लवर एंड कॉफी से रिलेटेड हमने एक बहुत अच्छा वीडियो किया था जिसमें वी वर ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट कॉफी, ये वीडियो जरूर देखना आप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल द अर्बन गाइड। बाय बाय।